नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून 2023 मकर लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए वेरी फर्स्ट थिंग, ये महीने को मैं तीन हिस्से में बांट सकता हूं। 20 मई से 3 जून तक का जो हिस्सा है ये एक्सपेंसिव रहेगा, काफी स्ट्रेसफुल रहेगा, हेल्थ के भी इश्यू रहेंगे आप 20 मई से 3 जून तक का, और इसमें कुछ झगड़े भी हो सकते हैं। तो जानबूझ के आपको जो पता है, जो लॉ की साइड से देखें कोई कोर्ट कचहरी का केस होगा, तो 20 मई से 3 जून तक स्ट्रेस जरूर रहेगा आपके। इससे आगे चलते हैं, जो बेस्ट टाइम फॉर मैरिज लाइफ लिखा है मैंने इस महीने का, बढ़िया टाइम से आप गुजरेंगे। अभी 4 जून से 20 जून में ये टाइम आपके स्पाउस के साथ का, जो फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक अच्छा संबंध बॉन्डिंग 4 जून से 20 जून के दौरान आप खड़ा कर देंगे अपने आप अपने स्पाउस के लिए। और हो सकता है बहुत बड़ा आपको चांस भी मिलेगा आप जहां काम करते हैं वहां 4 जून से 20 जून में, मतलब ये टाइम आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इसके लिए मैंने हेडिंग लिखा है, गेट योर वर्क डन बिफोर, मतलब हेडिंग समझ लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा यहां, 20 जून के पहले आपको 4 जून से 20 जून में आपका काम कर लेना है। अब 21 जून से 9 जुलाई जो टाइम है ये स्ट्रेस का टाइम है, हो सकता है आपके पत्नी या पति के घर में यानी कि उनके फैमिली में कोई ना कोई एक प्रोग्राम होगा जिसमें आपको भी जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उस मामले में भी आपके साथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बीतेगा। तो 21 जून से 9 जुलाई आपके लिए स्ट्रेसफुल है, और पप्पा मम्मी से कुछ मांगना हो तो 21 जून से 9 जुलाई बेस्ट है। देखिए जब से केतु आपके कर्मस्थान में है, केतु आपके कर्मस्थान में बहुत लंबे समय से है, 12 अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक, 30 अक्टूबर 2023 तक केतु आपके कर्मस्थान में है, अप्रैल 22 से अक्टूबर 2023 मतलब 18 महीने का टाइम केतु आपके कर्मस्थान में, मतलब आप अनएम्प्लॉयड जैसा सिचुएशन करके रखा है उसने, काम धंधे में आपको बहुत ट्रबल आप फेस कर रहे हैं। इसको सीधा करने के लिए स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा एवरी वेनसडे, ऐसे बुधवार को कुत्ते को खाना खिलाइए। अब गुरु राहु का चंडाल योग हुआ है आपके चतुर्थ स्थान में, यानी कि घर लेने का योग तो इस साल बन ही रहा है आपका, अप्रैल 2024 के पहले घर बनेगा। काम धंधे में भी मैंने बोला इसका ये महीने में आपको 4 जून से 20 जून में बहुत बड़ा चांस भी मिलेगा, लेकिन गुरु को बल देने के लिए कहीं भी गुरुवार को हो सके तो थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल के स्नान करिएगा, और ये राहु चतुर्थ में आया है, विष्णु सहस्रनाम करिएगा 17 और या 18 तारीख को, और बहते जल में नारियल बहाइएगा। जनरली मैंने जो कैप्रिकॉन को देखा है, योर ड्यूटी मेन मेन जो ड्यूटी है या मेन जो जीवन है आपका, ये स्पाउस को सपोर्ट करने का ही है जीवन आपका। जितना स्पाउस को सपोर्ट करोगे उतना जीवन में आगे बढ़ोगे। जहां मतलब यू आपका जो स्पाउस जिस जगह पहुंचेगा, पहुंचा है या पहुंचेगा, उसकी वजह आप ही है, आप ही है। और आप अगर जो कहीं चूके हैं तो स्पाउस भी रास्ता खराब कर देगा, स्पाउस का भी रास्ता खराब हो जाएगा, आपका भी खराब हो जाएगा। सो ऑलवेज सपोर्ट योर स्पाउस, आपके स्पाउस को सपोर्ट करो वो जो करना चाहता है उस काम में। और इस महीने में आपके लिए भी 4 जून से 20 जून में प्रतिष्ठा बढ़ने के मौके भी मिलेंगे आपको, पब्लिक लाइफ में आप छा जाएंगे 4 जून से 20 जून में। अब आपको केयरफुल रहना है 5 और 6 जून को, ये तारीख एक्सपेंसिव है आपके लिए 5 और 6 जून, 18 और 19 क्वारल यानी कि झगड़ा से भरा हुआ है, और 23-24 जून स्ट्रेस रहेगा। मैंने आपको 21 जून के बाद बहुत तरीके से आपको स्ट्रेस आने ही वाला है 21 जून के बाद। अब दोज हुआ जॉबलेस, उनके लिए तो मैंने आपको बताया पहले ही कि 4 जून से 20 जून में बहुत बड़ा चांस आपके डोर पर आने ही वाला है। बेस्ट आफ्टर बेस्ट 22nd to 25th जून दोज हुआ जॉबलेस, उनके लिए अगर आपके हाथ में इंटरव्यू की तारीख है तो मैं इसमें 22 से 25 जून जॉब के लिए बेस्ट बोल रहा हूं, भले टेंशन रहेगा बट ये जॉब के लिए बेस्ट है। कुछ पीसी से जॉबलेस है उनको पूछना है किसी को, तो क्योंकि गुरु अभी आपके कर्मस्थान को देख रहा है, तो बिजनेस को मैंने यस बोला है,
यानी कि नया कुछ काम चालू करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट नाउ। राहु गुरु का उपाय में मैंने जो वीडियो बनाया था मकर का, चंडाल योग का, उसको जरा ठीक से देखिएगा। थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करना है, विष्णु सहस्त्रनाम करना है, और अमावस के दिन 17 और 18 तारीख को, 17 या 18 को आपको 250 ग्राम चाय का पैकेट आएगा, वो किसी भी सोसाइटी के स्वीपर को आपके दे दीजिएगा। हेल्थ केयरफुल रहना है 29 और 30 को, आपके हेल्थ के लिए देखिए 29 और 30 23-24 और स्ट्रेसफुल है आपका। ऐसा तो 21 जून से सब टाइम टेंशन वाला ही है 9 जुलाई तक। 21 जून के पहले यानी कि 20 जून तक अपना ऑफिशियल जो काम है महीने का टारगेट टाइप का कुछ काम हो तो वो करने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट के लिए 22 से 25 जून बेस्ट है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो ये 22 से 25 जून बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 22 बेस्ट है। 16 और 17 भी बेस्ट है, जो लव करते हैं उनके लिए 7, 22, 16, 17, क्योंकि यहां चंद्र शुक्र का परिवर्तन है वृषभ और कर्क में। 7, 16, 17 और 22 बेस्ट रहेगा। प्यार करते हैं उनके लिए प्रपोज करना है तो उनके लिए बेस्ट। मैरिज के लिए 4 जून से 20 जून, मैंने बोला ऐसा आप छा जाएंगे, बोला है कोई बहुत बड़ा मैरिज लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम, बेस्ट टाइम है 4 जून से 20 जून के लिए, मैरिड लाइफ के लिए भी, मैरिज के लिए भी। शेयर मार्केट 14, 15, 16 और 17 बेस्ट। शेयर मार्केट में 14, 15, 16, 17 अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं कुछ, तो ये 14 से 17 बेस्ट है। अब आप देखें इस महीने में देवशयनी एकादशी 29 जून को, ये भी ये दिन 29 जून है, यहां से 4 महीना साधु संत रुक जाते हैं, यानी कि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। साधु संत 4 महीने के लिए जहां है वहां स्टॉप हो जाते हैं, ये फिर मूव नहीं होते वो। 1 जून और 15 जून प्रदोष का व्रत है, अगर आप करना चाहो तो शिव उपासना है। देखिए जनरली मैं देखता हूं कैप्रिकॉन आपका जो स्पाउस है ये ज्यादा सेंसिटिव है, और उसको बनाने में आपका ही हाथ है, ये बात समझ लीजिएगा। आप ही बनाते हैं अपने स्पाउस को, वो जिस स्टेज पर पहुंचता है, कहीं गड़बड़ करते हैं आप तो स्पाउस गड़बड़ाता है। सपोर्ट करो, हो सकता है कि आपका अक्टूबर 2023 तक आपका स्पाउस एकदम टॉप लेवल पर पहुंचेगा, ये संभावना है। आपका अपना आपको भूल के स्पाउस को सपोर्ट करने में आपको ज्यादा फायदा है आपके जीवन को, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। मतलब स्पाउस आते ही भाग्य बदलता भी है आपका, मेन तो पर्टिकुलरली टू सपोर्ट होता है। और 1 जून और 15 जून को शिव उपासना, जलाभिषेक शिव को भगवान शिव मंदिर में। 7 जून और 22 जून संकष्टी, 7 जून और 22 जून को संकष्टी। इस संकष्टी के दिन कोई भी गणेश मंदिर हो, गणपति बाप्पा का मंदिर हो, मंगल नीच राशि का आपके सप्तम में हुआ है, कहीं आपको लगेगा ज्यादा गुस्से में आ जाता है स्पाउस आपका, तो जरूर करिएगा 7 और 22 को उस मंदिर में दर्शन करने जाइएगा, या गणेश मंदिर हो या हनुमान जी का मंदिर हो, और लड्डू या तो गुड़ वहां रख दीजिएगा या गाय को खिलाइएगा 7 और 22 तारीख को। अब अमावस्या है 17-18 जून का, मैंने बताया आपको। इस महीने में चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति का तारीख है, जो चंद्र शुक्र का युति प्रत्युति ये तारीख है, ये जो 7 जून को प्रत्युति है चंद्र शुक्र का, और 22 तारीख को चंद्र शुक्र का आपके सप्तम स्थान में युति। कहीं आपके जो सिस्टर होगी उसको उसको स्ट्रेस फील होता होगा अभी जो ये टाइम जो गुजर रहा है, आपके सगी सिस्टर को कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस भी होगा, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस बोल रहा हूं मैं। अगर ऐसा भी है तो मैंने जो गुड़ का दान करने के लिए बोला है वो उसके हाथ से भी गुड़ का दान करवा दीजिएगा, आपके सिस्टर के हाथ से, एटलीस्ट गाय को खिलाइएगा बोलो। और इसको देखिए गुरु राहु चंडाल योग का बोला मैंने, गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है, बट केतु की वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है कर्मस्थान का अभी आपको। देखिए केतु अक्टूबर 2023 में पीछे आ जाएगा, 7 से 6 में आ जाएगा,
तुला राशि से कन्या राशि में आ जाएगा केतु अक्टूबर 2023 में कन्या में आ जाएगा, यानी कि ये आपके कर्म स्थान में जो आपको आपको जो स्ट्रेस दे रहा है वो कम हो जाएगा। तब तक कुत्ते को खिलाते रहिएगा, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते रहिएगा, कुत्ता पाला है तो बहुत अच्छी बात। ये अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा है, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं आपको। 4 जून से 20 जून आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका काम 4 जून से 20 जून में करने की कोशिश करो। जो 20 मई से 3 जून में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा, जो झगड़े का सिचुएशन रहा, उसमें से आप निकल जाएंगे 4 जून से 20 जून में। और 21 जून से 9 जुलाई अगेन आप थोड़े स्ट्रेस में होंगे, पत्नी या पति के घर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा, उसको सपोर्ट करो। और मैंने जो आपको करने के लिए बोला है 250 ग्राम चाय देने के लिए बोला है अमावस के दिन, इतना करेंगे तो काफी लाभ रहेगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।